Assalamualaikum alaikum, dear students. i am anjum shafiq, your biology teacher for grade 10. and today, we are going to discuss the types of joints. so let's move to the board. so first of all, we will define what is joint. so dear students, joint, so i'm define joint. so joint, it is allocation in the human body where two or more than two. bones meet. just डे स्टूडेंट्स so डे स्टूडेंट्स body में वो जगह वो location यानी वो point जहां पर दो या दो से ज्यादा bones आपस में meet कर रही हों जहां पर इकट्ठी हो रही हों उस location को उस point को कहा जाता है joint. तो डे स्टूडेंट्स ज्वाइंट के लिए एक वर्ड इस्तेमाल होता है जिसे हम कहते हैं आर्थ ये याद रखिएगा इसको हम कहते हैं आर्थ ए आर टी एच ये इसके लिए एक रिफिक्स है जो कि इस्तेमाल होता है ज्वाइंट्स के लिए हर तरह की इसी से रिलेटेड किसी भी तरह की टर्मिनोलॉजी होगी जॉइंट्स से रिलेवेंट तो हम उसके लिए आर्थ कवर्ड इस्तेमाल करेंगे जैसे लग सपोज आपने नाम सुना था आर्थ्रोपोर्ड्स हमने एग्जोस्कैल्टन में उसको डिस्कस किया ना तो आर्थ्रोपोर्ड्स ऐसे एनिमल्स को कहते हैं जिनके अंदर ज्वाइंट अपेंडेज होते हैं ज्वाइंट लिब्स होते हैं यस yes, स्टूडेंट्स तो हमारे इधर भी इसी तरह से अल्लाह ने जॉइंट्स बनाए तो पहले आप जरा सोचें जरा जॉइंट्स का मकसद क्या है वट इज़ द बेनिफिट और वट इज़ द पर्पज़ ऑफ मेकिंग जॉइंट्स इन द बॉडी तो स्टूडेंट्स बहुत आसान सी बात सो so, हड्डियों ने तो हमारा स्केल्टर बना दिया और मसल्स वहाँ पर अटैच हो गए उन्होंने हमें मूव भी करवाना है लेकिन स्टूडेंट्स उनको मूव उस तरह उस वक्त किया जा सकता है जब वो बैंड हो सकती हूँ और स्ट्रेट हो सकती हूँ यस yes, मतलब कि अगर उनके अंदर ये एबिलिटी हो बोन के अंदर कि वो बैंड हो सकती हो और स्ट्रेट भी हो सकती हो सो तब ही मूवमेंट पॉसिबल है तो अल्लाह ताला ने हमारे बॉडी में जो जॉइंट्स बनाए वो इसी वजह से बनाए ताकि हम मूव कर सकें अगर ज़रा सोचें लेट्स सपोज के खुदा न खास्ता ये हमारी बाजू बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट होती तो क्या मैं अपने इस हाथ को यहाँ पर निवाला खाने के लिए या बाइट लेने के लिए करीब ला सकता था सो इट इज़ इम्पॉसिबल क्यों क्योंकि अगर ये इसमें कोई ज्वाइंट नहीं है ये बिल्कुल स्ट्रेट बोन है और एक ही बोन है या दो बोन् वॉट एवर इट इज़ अगर इसमें ज्वाइंट नहीं है इसमें जोड़ नहीं है तो मैं कभी भी अपने उंगलियों से अपने फिंगर्स से वो बाइट को निवाले को तोड़कर और अपने मुंह के करीब नहीं ला सकता था इसी तरह से अगर मैंने चलकर कर वहाँ पर जाना है सो आई हैव टू मूव मैंने अपनी लेग्स को बैंड करना है क्लियर टू स्टूडेंट्स बेंड तो तभी होंगी जब उनको बेंडिंग पॉइंट मिलेगा जहां पर वो बेंड हो सकेंगी तो वो पॉइंट जहां पर बोन्स आपस में मिलती हैं और वो बेंड हो सकती हैं और स्ट्रेट हो सकती हैं उस पॉइंट को हम कहते हैं ज्वाइंट सो डियर स्टूडेंट्स ये बेसिक कंसेप्ट आपको क्लियर हुआ अब चलते हैं इसके टाइप्स के ऊपर जो कि इंपॉर्टेंट है और डियर स्टूडेंट्स आपको बताता चलो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से ये एज अ लॉन्ग क्वेश्चन बहुत अहम है इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन भी बनेंगे लॉन्ग क्वेश्चन के अखबार से भी पूछा जाएगा और इसमें सेमसीक्यूज भी बनेंगे तो मूव करते हैं टूअर्ड्स द टाइप्स ऑफ ज्वाइंट्स डेयर स्टूडेंट्स ज्वाइंट्स की जो क्लासिफिकेशन है इसकी जो टाइपिंग की जाती है इसको टाइप्स में डिवाइड किया जाता है वो दो बेसिस पे किया जाता है आमतौर पर एक ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर और दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ मूवमेंट यानी सादा लफ्जों में कहूं तो मूवमेंट के एतबार से तो हमारे सिलेबस में माय डियर स्टूडेंट्स जो सेकेंड क्लासिफिकेशन है वो गिवन है कि ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ मूवमेंट हम ज्वाइंट्स की क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे हमारे इस सिलेबस के अंदर जहां तक बात रहे कि ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर तो मैं जस्ट आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता देता हूं तो आप उसको याद रख सकते हैं स्ट्रक्चर की बेस के ऊपर तीन तरह के ज्वाइंट्स होते हैं फाइबरस ज्वाइंट्स नंबर टू द कार्टिलेजनस ज्वाइंट्स एंड नंबर थ्री आर दाइनोवियल ज्वाइंट तो डिस्ट्रेंड्स ये तो स्ट्रक्चर की बेस के ऊपर बात होगी लेकिन हमारे सिलेबस में इट इज अपॉन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ वूमेंट किस ज्वाइंट के अंदर कितनी डिग्रीज़ के ऊपर कितने एंगल के ऊपर मूवमेंट हो सकती है कितने डिफरेंट डायरेक्शन में मूवमेंट हो सकती है उसके बिहाफ के ऊपर हमारे जो बुक के अंदर इसकी क्लासिफिकेशन दी गई है तो उसके बिहाफ़ के ऊपर अगर हम बात करें तो इसमें भी तीन ही तरह के जॉइंट्स होते हैं नंबर वन आर द इमूवेबल ज्वाइंट्स इमूवेबल मतलब के फिक्स्ड इनको फिक्स्ड ज्वाइंट भी कहा जाता है दूसरी कैटेगरी है आर स्लाइटली मूवेबल ज्वाइंट और थर्ड कैटेगरी है इसमें

तो इसके नाम पे गौर करें इमूवेबल मतलब कि ऐसी चीज जिसमें कोई हरकत नहीं हो सकती तो हम यहां पर कौन सी चीज पढ़ रहे हैं ज्वाइंट मतलब कि ऐसा ज्वाइंट जहां पर दो या दो से ज्यादा हड्डियां आपस में मिल तो रही हैं लेकिन वहां पर कोई मूवमेंट पॉसिबल नहीं है इसी वजह से इनको फिक्स्ड ज्वाइंट्स भी कहा जाता है तो इस तरह से हम डिफाइन करेंगे द टाइप ऑफ ज्वाइंट्स which does नॉट allow एनी काइंड ऑफ मूवमेंट तो ये स्टूडेंट्स सोचें जरा कौन सा ऐसा ज्वाइंट हो सकता है हमारी बॉडी में जहां पर आ, हरकत बिल्कुल भी नहीं हो सकती है तो ज्वाइंट वहां पर हड्डियां भी आपस में जुड़ी हुई हैं लेकिन वहां पर कोई मूवमेंट नहीं है जैसमें स्टूडेंट्स तो आपको गाइड करता चलता हूं हम इसकी एग्जाम्पल में कोट करते हैं एक बहुत ही आसान सी और बहुत ही इंपॉर्टेंट सी एग्जाम्पल दैट इज द ज्वाइंट बिटवीन बोन्स ऑफ द स्कल हमारे जो स्कल है उसके अंदर जो जॉइंट्स हैं बने हुए वो उनकी हड्डियों के दरम्या जो जॉइंट्स बने हुए हैं वो एक्चुअली दे आर एमोवेबल जॉइंट्स वो किस तरह से अभी एक्जाम्पल देता हूँ और आपको याद है डियर स्टूडेंट्स हमने प्रीवियसली पढ़ा था कि स्कल के अंदर टोटल कितनी बोन्स हैं आपने नंबर ऑफ़ बोन्स याद रखना डियर स्टूडेंट्स तो ये बार बार रिविजन जितनी ज़्यादा रेपिटेशन होती हैं तो अल्लाह ताला ने हमारे ब्रेन को इस तरह से डिज़ाइन किया है कि इसमें चीज़ें जितनी दफ़ा रिपीट होंगी जितनी दफ़ा बार बार आप सुनेंगे आप लिखेंगे या पढ़ेंगे तो वो चीजें आपके माइंड में आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली जाती हैं सो तो स्कल के अंदर टोटल नंबर ऑफ बोन है ट्वेंटी टू वी हैव गॉट ट्वेंटी टू और इसको हमने दो पार्ट्स में भी डिवाइड किया था नंबर वन द क्रेनियल बोन्स एंड नंबर टू देर वाज फेशियल बोन्स हमारी जो एग्जांपल है जो हमने कोट करनी है वो यहां पर है इन द क्रेनियल बोन्स जस्ट स्टूडेंट्स तो क्रेनियल बोन्स कौन सी होती हैं, विच मेक द क्रेनियम और क्रेनियम क्या इट इज अ स्ट्रक्चर इन द पार्ट ऑफ द स्कल इन विच द ब्रेन इज एनक्लोज तो मैं आपको टॉप व्यू दिखाने वाला हूँ उसका स्कल का द टॉप व्यू ऑफ स्कल उसमें से आपको नजर आएंगे ये इमूवेबल ज्वाइंट टॉप व्यू समझते ना यानी कि ये मेरे जैसे कि ये मेरे स्कल है स्कल के ऊपर से ये ऊपर वाले हिस्से से तो आपको दिखा रहा हूं यहां से दैट इज द टॉप व्यू ये मैं इसलिए आपके लिए ड्रॉ कर रहा हूं क्योंकि ये आपके लिए भी इसको ड्रॉ करना इजी है तो आपने देखा स्टूडेंट्स यहां पर ये कौन कौन सी बोन्स हैं आइए लेबल करते हैं इसको सो दिस इज द पेराइटल बोन और आपको बताया था कि जो पेराइटल बोन है ये पेयर्ड है ये लेफ्ट साइड वाली और ये राइट right साइड वाली इसी तरह से डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर ये नीचे देखें दिस इज द ऑक्सीपिटल बोन ये बिल्कुल पीछे यहाँ पर ऑक्सीपिटल जो कि जिसके अंदर वजूद है सेरिब्रल कॉर्टेक्स का या सेरिब्रम का द ऑक्सीपिटल लोब दिस विच इज रिलेटेड टू द विजन वो जो हमारी कुतें Uh, जो uh, बेनाई है उसके साथ उसका ताल्लुक है सो जेस्ट स्टूडेंट्स यहाँ पर पिराइटल का आपस में जो ज्वाइंट बन रहा है और इसी तरह से इन पिराइटल बोन्स का यहाँ पर जो ऑक्सीपिटल बोन के साथ जो ज्वाइंट बन रहा है, यह पर, यह है यहाँ पर ये देखिए दो हड्डियाँ यहाँ पर मीट कर रही हैं और यह, इस पॉइंट के ऊपर ओवर हेयर थ्री बोन्स आर मीटिंग दो पिराइटल और एक ऑक्सीपिटल सो जेस्ट स्टूडेंट्स यहाँ पर जो ज्वाइंट है दिस इज अ ज्वाइंट एंड दिस इज विच काइंड ऑफ ज्वाइंट दिस इज एमूवेबल ज्वाइंट किस तरह से आपने कभी देखा कि हमारी ये वाली हड्डियां कभी हिल रही हूँ इट इज़ नॉट पॉसिबल ये हड्डियां जब बच्चा पैदा होता तो है तो उसकी सॉफ्ट होती हैं थोड़ी सी बिकॉज दे हैव टू पास थ्रू द बर्थ कैनाल तो उस वक्त उसमें थोड़ी सी आ, लचक होती है थोड़ा सा कम्प्रेस भी हो जाती हैं लेकिन आफ्टर फ्यू टाइम कुछ मंथ के अंदर अंदर ये उन बोन्स हैं आपस में क्लोज हो जाती हैं जब एक दफ़ा क्लोज हो गई यानी इनका आपस में ज्वाइंट बन गया उसके बाद माई डियर फ्रेंड्स दे आर इमूवेबल क्लियर तो आपने कभी नोट नहीं किया होगा कि यहाँ पर कभी कोई किसी बोन की हरकत हुई हो सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ इमूवेबल ज्वाइंट द ज्वाइंट विच इज प्रेजेंट इन द बोन्स ऑफ द स्कल यानी कि यहाँ पर हम क्रेनियल बोन्स की एग्जाम्पल ले रहे हैं इस तरह से सो अनदर टाइप इज सेकेंड टाइप इज स्लाइटली मूवेबल ज्वाइंट्स तो इसके नाम पर जरा गौर करें सो स्लाइटली स्लाइट का मतलब है हल्का सा पहले इसको डिफाइन कर लेते हैं द टाइप ऑफ ज्वाइंट विच अलाउज अ लिटल मूवमेंट यानी कि थोड़ी बहुत ज्वाइंट है हड्डियां मिल रही आपस में लेकिन उनमें कोई बहुत ज्यादा मूवमेंट नहीं है थोड़ी सी मूवमेंट है इसकी एग्जाम्पल पहले कोड करता चलो its example is the joint between the vertebra means intervertebral joints they are the examples of slightly movable joints. So, यहां पर इसको draw करता हूं over here. So, let's suppose this is our vertebra. These are the processes of vertebra. और उसके नीचे फिर एक और vertebra. Its processes.

द स्ट्रक्चर इज इंटर वर्टिब्रल डिस्क जो दो मोहरों के दरमियान व स्ट्रक्चर है दैट इज इंटर वर्टिब्रल डिस्क दिस इज वर्टिब्रा एंड दिस इज इंटर वर्टिब्रल डिस्क उसके नीचे फिर वर्टिब्रा सो माडे स्टूडेंट्स हेयर इज द पॉइंट वेयर द ज्वाइंट इज लोकेटेड दिस पॉइंट ये दो वर्टिब्रा के ये वाला जो पॉइंट है, दिस दिस इज़, इज़ द इंटर वर्टिब्रल ज्वाइंट तो आपने कभी फील किया हमारी जो आ, ये कमर होती है मतलब कि Uh, जो हमारी बैक पोन है उसकी मदद मतलब से हम कितने मूवमेंट कर सकते हैं आप नोट करें थोड़ा सा आगे की तरफ झुक सकते हैं जैसे सजदे में जाते हैं हम या रुकू में जाते हैं या फिर आप थोड़ा सा पीछे को ऐसे बैंड हो सकते हैं पीछे की तरफ या फिर हम थोड़ा सा ऐसे लिटरली ऐसे कर सकते हैं या फिर ऐसे थोड़ा सा कर सकते हैं इससे ज़्यादा फ्री मूवमेंट यहाँ पर नहीं हो सकती मतलब कि बहुत ज़्यादा खुली मूवमेंट नहीं है बहुत ज़्यादा फ्री मूवमेंट नहीं है ये इसे स्लाइट मूवमेंट की कैटेगरी में रखा जाता है यानी आप फॉरवर्ड बैंड कर सकें बहुत ज़्यादा बैंड नहीं कर सकते ठीक है इसी तरह से बैकवर्ड थोड़ा सा बैंड कर सकें इस तरह से थोड़ा सा लेफ्टली बैंड कर सकें थोड़ा सा राइट साइड पर बैंड कर सकें सो so, इससे ज़्यादा मूवमेंट यहाँ पर पॉसिबल नहीं है सो दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ स्लाइटली मूवेबल ज्वाइंट बहुत ज़्यादा फ्री मूवमेंट यहाँ पर पॉसिबल नहीं है और इसका हमें बेनिफिट भी है क्योंकि दिस इज़ द वेट बेयरिंग बोन ये हमारे जो वर्टिपल कॉलम होता है ये हमारे पूरे वर्टीप जो हमारे ट्रंक है उसका उसने वेट उठाया हुआ है क्योंकि डियर स्टूडेंट्स एक बात याद रखिएगा, जितनी ज़्यादा फ्री मूवमेंट होगी किसी जगह के ऊपर उतना ही ज़्यादा चांस है वहाँ पर इंजरी होने का तो यहाँ पर जो इंजरी है क्योंकि इसके दरम्यान में से गुजर रही है स्पाइनल कॉर्ड तो अगर यहाँ पर ज़्यादा फ्री मूवमेंट होगी तो सो देर विल बी द ग्रेटर चांसेस कि यहाँ पर कोई डिसलोकेशन हो सकें यहाँ पर कोई और एबनॉर्मलिटीज़ आ सकें तो इसलिए अल्लाह तला ने यहाँ पर जो जॉइंट रखा वो सलेटी मूवेबल रखा क्योंकि जितनी कम डिग्री पे मूवमेंट होगी उतना ही ज़्यादा वो सेफ ज्वाइंट होता है क्लियर स्टूडेंट्स तो यहाँ पर एम सी क्यों भी याद रखना है वट इज़ दिच स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट बिटवीन द टू वर्टिब्रा दैट इज़ इंटरवर्टिबल डिस्क एंड द ज्वाइंट फॉर्म बिटवीन द टू वर्टिब्रा इज कॉल्ड एज स्लाइटली मूवेबल ज्वाइंट और इंटरवर्टिब्रल ज्वाइंट दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्लाइटली मूवेबल ज्वाइंट इसी तरह से इमूवेबल ज्वाइंट दिच डज नॉट अलाउ एनी काइंड ऑफ मूवमेंट इज कॉल्ड एज द फिक्सड और इमूवेबल ज्वाइंट तो इसकी एग्जाम्पल में आपने याद रखना है द्वाइंट फॉर्म बिटवीन द बोन्स ऑफ द स्कल क्लियर तो आपको ये एफ सी क्यों मिला सकता है वट इज द ज्वाइंट बिटवीन द बोन्स ऑफ द स्कल इज ऑप्शन ए इज इमूवेबल ऑप्शन बी